नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम बीपीएससी 69 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे सेक्शन वाइज। हमने इसमें से इतिहास यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, और अब ये दो सेक्शन देख चुके थे और अब हम देखेंगे भूगोल। इसमें भारत और विश्व के भूगोल को कंप्लीट करेंगे। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जैसे कि आपने देखा कि हिस्ट्री हिस्ट्री से लगभग लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए, और पॉलिटी से भी लगभग लगभग 12-13 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आता है जियोग्राफी के बारे में, तो जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन हैं ये भी देख लेंगे इसमें करते करते। तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी के, जो 43rd क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का। गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी के डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में क्या सही है क्या गलत, ये देखना है। इसमें गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर लुप्त प्राय जीव नहीं है, ये जो है संकटग्रस्त है, क्योंकि अभी भी डॉल्फिन है। लुप्त मतलब क्या हो गया कि एकदम खत्म हो गया, जैसे भारत से चीता लुप्त हो गया था। ठीक, तो गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत, रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय नहीं संकटग्रस्त के अंतर्गत आता। रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टली नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये बात सही। इसमें कोई आँख में कोई ऐसा लेंस नहीं है, मतलब नेत्रहीन होते हैं। ठीक, या इको लोकेशन का उपयोग कर, मतलब कि क्या प्रश्रव प्रश्रव ध्वनियों का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसका आँख तो होता नहीं है, तो फिर मुझे लगे इमेजिन करके प्रश्रव से, जो कि रेडियो में होते हैं, टकरा के वापस आते हैं, जिसे करती है, इमेजिन हो जाता है इसको कि हाँ कितना दूर में शिकार है इसका। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही। कब? 2009 में इसको नेशनल एनिमल, नेशनल गैंगेटिक एनिमल, मतलब इसको क्या बोलते, जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें सेकंड सही, थर्ड सही, फोर्थ सही, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट में बस यही है कि लुप्त प्राय नहीं है, ये संकटग्रस्त है। अच्छा, ये जो है गैंगेटिक डॉल्फिन, ये मीठे पानी में मोस्टली पाई जाती है, और ये आपको मिलेंगी, ये मीठे पानी में, पहली बात तो मीठे पानी में मिलती है, दूसरे में ये गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी में पाया जाता है। और तीसरी बात क्या है कि गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी में पाई जाती है मीठे पानी की, इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक, गंडक जो कि आपको पता होगा नेपाल से निकलते हुए आती है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार में जाती है, तो नेपाल फिर यूपी फिर बिहार, इसका दूसरा नाम नारायणी। और एक नाम और है इसका गंडक का, जैसे नेपाल में इसको गंडकी भी बोलते हैं और नारायणी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम नारायणी, ये उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल में। बताइए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? तो अगर बात करें तो समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तली पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो देखिए, अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ कोई प्रवाल भित्ति नहीं मिलेगा, तो ये सही गलत हो गया। सुंदरबन, यहाँ पर भी प्रवाल भित्तियाँ नहीं है क्योंकि वहां पर पूरा डेल्टा बना हुआ है। मैंग्रोव यहाँ पर मिल जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर, इसमें आंसर जो होगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अब्र कोडरमा में, कोडरमा नियर कोडरमा होगा,
कोडर में पाया जाता है। बिल्कुल सही, कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कुडप्पा श्रृंखला में हीरे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाए जाते, लेकिन हीरे के लिए फेमस नहीं है। एक्चुअली कुडप्पा जो है, कुडप्पा श्रेणी है आंध्र प्रदेश में, जो धारवाड़ श्रेणी के ही अपर्दन रूप है। कुडप्पा रेंज धारवाड़ का अपर्दन रेंज है, जो कि क्षरण हो गया उसका। अच्छा कुडप्पा धारवाड़ अलग, जो कि मोस्टली कर्नाटका में पाया जाता है, कुडप्पा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि सोना, लोहा, चांदी, मैग्नीशियम और भी चीजें पाए जाते हैं, हीरे भी पाए जाते हैं, लेकिन हीरे के लिए ये प्रसिद्ध नहीं है। और अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट क्या है, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम भंडार जो है अरावली पहाड़ी में पाए जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अरावली पहाड़ी में आपका ये भी क्या हो गया, अपरदन हो चुका है इसका। ठीक, हाँ इसमें भी आपका आयरन मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, और भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। ठीक, धारवाड़ चट्टान संरचना प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस धारवाड़ संरचना में नहीं पाई जाती। ठीक, अच्छा धारवाड़ में आपको क्या क्या मिलेगा? धारवाड़ में भी वही मोस्टली आपको मिलेगा आयरन, मैग्नीशियम और भी चीजें मिलते हैं, जिस पर कुल मिल जाएगा कि जो आंसर हो जाएगा ए, अभ्रक कोडरमा पाए जाते हैं, बाकी ये सभी गलत है। किस पठार पर गर्ग रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो कर्क रेखा जो है 23 एंड हाफ, मानक समय रेखा 82 एंड हाफ, ये हो गया हमारा जो है मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये हो गया कर्क रेखा। ये दोनों जो है आती है भारत में, ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये जो प्लेस है, ये जिला, ये है सूरजपुर। सूरजपुर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटती है। तो आज के डेट में ये पूछा है कि कहाँ पर काटती है, कौन सा पठार? ये था बघेलगढ़ पठार। अब पूछ ले कौन सा जिला, तो सूरजपुर। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ये पठार के कारण पूछा जा सकता है, लेकिन सूरजपुर जब पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का मोस्टली क्वेश्चन रहता है। पूछेगा उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? अब देखिए उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से लगता है, कौन सा नहीं लगता है? अब ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछने का क्या लॉजिक है, अब खुद समझ लीजिए। तो देखिए उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? उत्तराखंड का अल्मोड़ा जो है तिब्बत से नहीं लगता। उत्तराखंड के तीन जिले जैसे पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी, ये तीनों, उत्तरकाशी, चमोली और एक पिथौरागढ़, इसमें क्या लिए कौन सा? अगर कुछ लगता है उसमें से नहीं लगता है, पूछ रहा है अल्मोड़ा वाले पूछ सकता है कि कौन कौन सा लगता है, ठीक दे देगा तीन ऑप्शन मिला करके, कर सकते हैं। तो अल्मोड़ा जो है तिब्बत के साथ सीमा नहीं बनाता, बाकी उत्तरकाशी बनाता है, पिथौरागढ़ बनाता है, चमोली बनाता है। तिब्बत यानी कि चीन से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल के और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे ये जो पिथौरागढ़ है, ये लगभग इधर है उत्तराखंड का, ये नेपाल से भी और तिब्बत यानी कि चाइना से भी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अल्मोड़ा जो है, अरे यार उत्तराखंड के बगल में एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप ले लेते हैं इसे, उत्तराखंड का इधर नेपाल, इधर नेपाल हो गया और इधर हो जाएगा चाइना, यानी तिब्बत है जो कि चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये अल्मोड़ा जो है अंदर है, इधर नहीं है, इससे कहीं टच नहीं करता। ओके, ठीक। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? एक सेकंड, तो स्वर्णरेखा नदी जो है नगरी, अभी देखिए ये सब याद करने वाला चीज है।
रांची से, रांची में स्थित नगड़ी यानी कि नगरी, मगर मतलब लोकल लैंग्वेज में इसको नगड़ी बोला जाता है, इसे इसको नगरी, ये रांची, रांची के नगरी से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, किस गांव के पास निकलती है, तो रांची के नगरी। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मुख्य पठार को छोड़कर हुंडरू जलप्रपात के रूप में गिरती है। तो यहां से पूछ लेगा हुंडरू जलप्रपात, तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर मिलता था, ये झारखंड में। झारखंड, स्वर्ण रेखा हो गया, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में हो गया, हुंडरू जलप्रपात रांची नगरी। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, अब यूपी में कैचा टू मिला भी दे देता है कि ये जलप्रपात कहाँ है, बिहार में आपको इसे डायरेक्ट दे दिया है। नेक्स्ट, मतलब यहाँ से देख लीजिएगा 43 क्वेश्चन से 49, यानी कि 7 क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी, 7 क्वेश्चन से आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी से है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं, एक मिनट।